हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक नया चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट मेथड से। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हो सके तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जब लेके आऊँ तो मेरे दिमाग में रहे कि हाँ, आपने वीडियो को लाइक किया था तो आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाऊँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे, रीजनिंग का भी और मैथ का भी, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर करेंगे। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे परसेंट वर्ड से, ठीक है। परसेंट में से ही हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। परसेंट में से हम पर और सेंट का अलग अलग मतलब जानते हैं। पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का सेंटेज का मतलब होता है सेंट का मतलब 100, यानी कि प्रति 100 पे हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में। जैसे मैं बात करूँ 30%, तो 30% का मतलब क्या है कि 100 में से कितना 30, ठीक है। यानी कि 30% का मतलब हम क्या समझे, 100 में से 30, यानी कि अब अगर मैं बात करूं 65% की, तो 100 में से 65, यानी कि जब भी आपको कहीं पे भी कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखी मिलती है 20% या 30%, परसेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उसे 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, ये तो 100 हो गई, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू होती है परसेंटेज में, तो 100 में से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अब वैल्यू को 200 हो जाए, 300 हो जाए, 1000 में आ जाए, लाख में आ जाए, तब उसको कैसे देखते हैं, मतलब तब उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जैसे 50 200 का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस 100 से गुणा करनी है हर बार। जब भी कोई नंबर, एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पे, सबसे बेसिक पॉइंट है शुरुआत में ही, जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करके पूछा जाए कि एक इसका कितना प्रतिशत है, तो उसमें बस आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि 50 200 का कितना प्रतिशत है, 50 200 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, 50/200 और गुणा कर देना 100 से, तो 25% है, ठीक है। और ये भी आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको पता है 2 0 इसमें होती है 100 में, और 200 में से 2 0 कट जाएगी, तो बस 50 को 2 से भाग करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 300 का 60 कितना प्रतिशत है, तो 300 का 60 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60/300 गुणा कर दीजिए 100 से, 2 0 से 2 0, ये जाएगा 20%। वैसे जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि 300 का कितना प्रतिशत है, तो 30 आपका 30/100 हो गया यहाँ पे, तो ये आपका इतना इससे 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। और यानी कि हम इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, तो 30 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 लिखा था। अगर यहाँ पे पूछा जाए 65%, ये मैं जो मैंने पहले से लिख रखा था कि 100 का कितना परसेंट है, तो आपको बस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 65% ही आएगा। तो ये तो हो गई 100 के ऊपर बात, क्योंकि 100 में तो आपको पता है कि हर बार जब हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 से कट जाएगा, तो ये 65% है। अब जैसे 30% हमने बोला, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 30% है। तो जब भी आपको ये 100 से ऊपर वाली वैल्यूज में मतलब पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है, तो बस आपको 100 से गुणा करनी है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, धीरे धीरे सारे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और जिनकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है एग्जाम में पूछे जाने की। बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए पूरे एंड तक। अब यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। ध्यान से एक एक वर्ड, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, यानी कि 900 पूछा जा रहा है, 1200 का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे, जब किसी नंबर को जिस नंबर से कंपेयर किया जाता है, 900 को हम 12 से कंपेयर कर रहे हैं, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, तो 900 को हम 1200 से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं ना वो नीचे आता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही कन्फ्यूजन रहता है कि मैं 900 को नीचे रखूँ या 1200 को नीचे रखूँ। तो जिस नंबर से हम कंपेयर करते हैं उसको नीचे, और जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको ऊपर, और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको क्या करना है, 900/1200 और गुणा कर देना 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगी, और 900 को आप 12 से भाग करेंगे तो 75 बार जाएगा, तो 75% हो जाएगा। तो 900/1200 का कितना प्रतिशत है, 75%, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे दो वस्तुओं का वजन 3:5 के रेशो में है,
तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन के कितने प्रतिशत है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि यहाँ पे हमें वैल्यूज तो दी नहीं है, तो वैल्यूज आपको रेशो में दी गई है, तो रेशो से ही क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपकी नंबर है वो 3 है और सेकंड नंबर आपका 5 है, बस तो आपको इतना ही देखना है। अब यहाँ पे ये देखिए कि किस नंबर को किस नंबर से कंपेयर किया गया है। तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, दूसरी वस्तु से कंपेयर किया जा रहा है, तो दूसरी वस्तु को नीचे लेंगे और जिसे कंपेयर किया जा रहा है उसको ऊपर और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये इसका 60% है। समझ रहे हैं ना भाई, भाई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, परसेंटेज से आप खेलना स्टार्ट कर देंगे अगर आप ये चीज़ें समझ गए। ठीक है, अभी चलते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे में बोला जा रहा है राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया। राम का वेतन 800 से बढ़कर कितना हो गया, 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे चीज़ ध्यान से देखिएगा, 800 से बढ़कर 1000 हुआ, बढ़ा कितना 200। अब ये 200 किस पर बढ़ा, ये 800 पर बढ़ा। क्यों बढ़ा 800 पर, क्योंकि राम का वेतन जो 800 था उससे बढ़ के 1000 हुआ है, तो नीचे हम हमेशा पहले वाली वैल्यू लेते हैं, तो 200/800 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 20 से 20 कट जाएगी, 200 को 8 से भाग करेंगे तो 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पहले कई बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप सेकंड में कर लेंगे, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% गणित में और 40% दोनों विषय में पास हुए। यदि 90 छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है। ध्यान से क्वेश्चन का एक एक पार्ट को जान लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 65% छात्र इतिहास में और 60% छात्र गणित में पास हुए हैं और 40% दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना के आपको शो करके दिखाता हूँ। 65% इतिहास में पास हो गए और फिर 60% आपके गणित में पास हो गए, और जो ये बीच में मैंने कट लगाया ना, इनमें दोनों में, दोनों को इनको क्रॉस कराया है, इसलिए कराया कि इसमें आपको नज़र आए कि ये जो दोनों में साइड में है ये दोनों में पास हुए हैं, यानी कि जो 40% छात्र हैं दोनों में पास हुए हैं। अब ये क्या हो गया कि ये रिपीटेशन बन गया, यानी कि इसमें भी है ये 40% छात्र और इसमें भी है, तो इनको कैसे कम करें, इनको कम ऐसे करना है आपको, इन दोनों को प्लस करिए 65 और 60 को, और जो ये दो बार रिपीट हो रहा है इसको एक बार माइनस कर दीजिए। भाई आपको समझ में आ रहा है ना कि 40% छात्र वो हैं जो इतिहास में भी और गणित में भी पास हुए हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, हमें सभी को एक एक बार लेना है, तो ये 40 को हम माइनस कर देंगे, तो 65 + 60 माइनस करेंगे 40, तो 125 - 40 कितना हो जाएगा, 85%, यानी कि हमें मिल गए 85% जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं, 85% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो बचे हुए स्टूडेंट क्या हुए होंगे, वो फेल हुए होंगे, तो फेल कितने हुए, 100% में से 85 माइनस कर दीजिए, 15% स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब आपको पता है यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो आपको बताना है परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 90 छात्र फेल हुए हैं और यहाँ पे 15% छात्र दे रखे हैं फेल हुए हैं, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी, 90, और आपको लगाना है कि टोटल 100% छात्र कितने हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए बस, तो कितना हो जाएगा, 90 को 15 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो 15 से 90 जाएगा 6 बार, 6 की 100 में कर देंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो नंबर स्टूडेंट है वो कितने हैं, 600 है। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, जो समझने वाली चीज़ है वो इसमें यही है कि ये दो बार जो रिपीटेशन है ना बीच में, इसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 40% छात्र इतिहास में भी पास हुए हैं और यहाँ पे गणित में भी पास हुए हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इतिहास और गणित में भी पास हुए हैं, तो ये दो बार पास हो गए, तो इसका मतलब हमें इनमें से माइनस करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए बोलता हूँ कि एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, स्किप मत करिए वीडियो को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन से आपके, तो देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि एक जो एक स्टूडेंट है
उसे टोटल नंबर का 20% अंक प्राप्त हुए, यानी कि 20% मार्क्स प्राप्त हुए, और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जो है उसे अधिकतम अंकों का 30% अंक मिलता है और उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिल जाते हैं, यानी कि जितने से मैं पास होते हैं ना उससे 20 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो उत्तीर्णांक होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले अंक पता होना चाहिए, यानी कि मार्क्स पता होने चाहिए, और मार्क्स पता करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये प्रतिशत वाला क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको तीनों स्टेप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी तो आपसे पूछ लिया जाता है टोटल मार्क्स, कभी पासिंग मार्क्स, और कभी पासिंग मार्क्स की प्रतिशत। तो देख लेते हैं अभी इसको। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी बोला गया दोनों को पास कर देते हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन में दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट में से एक को 20% अंक मिलते हैं और वो 5 अंकों से फेल हो जाते हैं, दूसरा स्टूडेंट को 30 अंक प्राप्त होते हैं, 30% अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंक अधिक ले जाता है पास होने से। हम क्या करेंगे, जो फेल हो गया उसको पास कर देंगे और जो पासिंग मार्क्स से अंक ज़्यादा लेकर आता है उसके मार्क्स माइनस कर देंगे, यानी कि दोनों को बस पास करेंगे, जस्ट पास। तो अभी देखिए 20% अंक इसको मिले तो 20% अंक मिलके 5 अंकों से फेल हो गया, तो इसको प्लस कर देते हैं 5 से, तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसको पास कर दिया। अब इक्वल करके लिखते हैं, दूसरे वाले को भी पास करना है। इसको 30% अंक मिले तो 30% अंक में से इसके 20 अंक माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे इतने ज़्यादा मिल गए पासिंग मार्क्स से, तो माइनस हमने कर दिया 20। अब आपको क्या करना है, ये प्रतिशत वाली एक साइड लेके आ जाएंगे, तो 30 में से 20 जाएंगे तो 10% को एक साइड में मैंने लिख लिया। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस का 20 और माइनस का 5 कितना होगा 25, तो 10% की वैल्यू आपको मिल गई 25। अब आपका क्वेश्चन होता है स्टार्ट यहाँ से, जो मेन चीज़ थी ये थी यहाँ से। अब आप इसको फटाफट कर लेंगे, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया ना कोई भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल मार्क्स। आपको पता है 10% की वैल्यू 25 है, तो 100% की निकालना कोई हार्ड नहीं है, 25 को 10 से भाग करिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 250। ये तो आ गया आपका टोटल मार्क्स, कभी कभी क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 250 का मैंने 20% निकाला, 20% निकाला, कितना आया 50 आ गया। अब 50 जब मिलता है उसे, यानी कि 20% मिलता है, तो वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसको 5 अंक भी मैं दे देता हूँ, तो 55, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं 55 हो गए। समझ गए आप इसको? ठीक है, अब पूछा पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि अब ध्यान सुनिएगा, जो पहली लाइन मैंने बताई थी ना परसेंट, यानी कि ये 55वां भाग इस 250 का आपको निकालना है, यही आपका परसेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 55/250 और गुणा कर देना है 100 से, तो पासिंग परसेंटेज आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कट करेंगे 5 से, 5×5=25, और इसको कट करेंगे 5×5, यानी कि 5×5 11 बार जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 की गुणा करेंगे 11 में, तो 22%, यानी कि पासिंग परसेंटेज आपकी हो जाएगी 22%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको कहीं पे भी इसमें डाउट है, किसी भी लाइन में डाउट है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर दोबारा से कराएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी। यहाँ पे बोला जा रहा है चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, कभी भी 2% को 1% बनाना हो तो अफेक्टिव परसेंटेज रूल अप्लाई करिए, यानी कि अफेक्टिव परसेंटेज रूल ये होता है x+y + x(y/100। समझिए इसको चीज को, पहले जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 2% दी हो, चाहे एक प्रॉफिट की हो, चाहे एक लॉस की हो, चाहे एक कटौती की हो, चाहे एक वृद्धि की हो, जो भी परसेंटेज दी हो, और वहां पे पूछा जाए कि ओवरऑल इनका क्या मतलब प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, x+y एक बार तो उन दोनों को प्लस करना है और एक बार उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 100 से भाग कर देना है, बस इतना करना है आपका आंसर मिल जाएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई और जो दोनों को प्लस करने का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा सीख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है मजदूरी में 20% की कटौती की गई, जब भी कमी की जाए या फिर लॉस हो तो आपको माइनस लिखना है, और जब भी वृद्धि की जाए या फिर प्रॉफिट हो तो आपको प्लस लिखना है। तो यहाँ पे 20% की
कटौती की गई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -20। फिर दूसरे में बोला जाए 20% की वृद्धि की गई है, तो आपको क्या करना है, +20। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से -20 गुणा +20, और ये कर देना है 100 से डिवाइड। तो आप देखिए -20 और +20 तो कट ही जाएगा, ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या बचता है, नीचे 100 से दो जीरो से दो जीरो कट गई, यहाँ पे क्या बचेगा, -2 की मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो क्या आएगा, -4। -4 का मतलब हो जाएगा लॉस, अगर यहाँ पे +4 आ जाता तो वो हो जाता प्रॉफिट। समझ गए आप इस रूल को, बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे ना आप इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बहुत जगह दिखाने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन मतलब इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। एक ही ट्रिक, एक ही कॉन्सेप्ट से जब 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको तो रट लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए उस क्वेश्चन की, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ताकि आपके आगे भी हेल्प करता रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब भी प्रतिशत में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्लस से डिनोट करना है, और जब भी डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा या लॉस होगा, तो आपको माइनस से डिनोट करना है, तभी आपको इसको रूल को अप्लाई करके आंसर बताना है। जब भी जो परसेंटेज प्रॉफिट में है तो सॉरी प्लस में है प्रॉफिट और माइनस में है लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे के सारे सुपर क्वेश्चन है ये वाला, एकदम बिल्कुल मतलब वो क्वेश्चन है जो इतनी बार आ चुका है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी बार आ चुका है, एक बार देख लीजिए अलग अलग एग्जाम में। और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियोस आजकल मैं अपलोड कर रहा हूं, चाहे रीजनिंग की हो चाहे मैथ की हो, आपका कोई भी एग्जाम है ना, सारे क्लियर कर लोगे, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे चीनी के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए, 25% से इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक गृहिणी जो घर में खपत है उसको कितना कम करे ताकि जो खर्चा है वो प्रभाव ना पड़े, खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप मुझे ये बताइए, जब चीनी के प्राइस बढ़ेंगे तो घर में जो खर्चा होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो घर में आप एक मोटी सी भाषा में समझिए कि अगर घर में प्रभाव ना पड़ने दिया जाए, बस खाने में कम कर ली जाए कि चीनी को सभी 2-2 किलो खाते थे, भैया अब तुम कम खाना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ना जो खर्चा बढ़ा है 25% से प्राइस बढ़े उसको बढ़ने नहीं देना है, तो तब क्या करना है आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और इस ट्रिक से आपके 2 क्वेश्चन सोल्व होंगे। ट्रिक भी बहुत आसान, बिल्कुल इजी ट्रिक है। R अपॉन में 100, 100 प्लस माइनस R इंटू 100, यहाँ पे R का मतलब जितना प्रतिशत बढ़ेगा, और 100 में प्लस माइनस का मतलब है जब भी वृद्धि होगी तो आपको प्लस करना है, और जब भी यहाँ पे डिक्रीज होगा तब आपको माइनस करना है, और गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो आपको कितनी खपत कम करनी है, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस क्या करना है यहाँ पे 25, और गुणा कर देना है 100 से। तो इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, मुझे बताइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इससे भी इजी मेथड से कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 25 अपॉन में 125 गुणा 100 से, 25 से जाएगा 125 पाँच बार, 5 से 100 जाएगा 20 बार, यानी कि अगर 20% वो कम कर देते हैं अपनी खपत में, तो ये जो 25% प्राइस बढ़े थे ये बढ़े हुए नहीं लगेंगे, उनका खर्चा मेंटेन हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा खर्चे पे। समझ में आ गया है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को भी जान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है ये क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बस पहले इतना पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, आगे मत जाइए। यहाँ पे बोला यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मैंने माना बी की आय 100 है तो ए की आय 25% कम है बी से, तो बी ए की आय कितनी हो जाएगी, बी से 25% कम, यानी कि 75% हो जाएगी। समझे आप, यहाँ पे बोला जा रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की अगर 100 है तो ए की 75 हो जाएगी, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 25 का आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पढ़िए दूसरी लाइन, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जब यार इसकी 25% कम है तो ये इसकी 25% अधिक होगी, तो आंसर 25 ही होगा, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, कभी भी ये वाली गलती मत करिएगा। समझ गए, बी की आय ए की आय से
कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में ही, शुरू की 2-3 मिनट में जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे और जिसको कंपेयर किया गया उसको ऊपर। जिससे कंपेयर किया जा रहा है तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये आपको किया जा रहा है ए से, बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं। पढ़ के देख लीजिए, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, तो यानी कि ए की आय नीचे आएगी और बी की आय पूछी जा रही है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है इनके बीच में डिफरेंस कितना, 25 का, तो 25/75 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 से 75 जाएगा 3 बार और 3 से 100 जाएगा 33/1/3, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी हम सेकंडों में करेंगे विद ट्रिक के साथ में, देख लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10272 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। भाई एक गांव की जनसंख्या जो है ना 9600 है, और यहाँ पे बताया जा रहा है पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, तब एक वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, 10272। तो बताओ पुरुषों की जनसंख्या है कितनी, ठीक है। तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आसानी से क्वेश्चन करेंगे। 9600 गाँव की जनसंख्या है जिसमें बताया जा रहा है 8% तो बढ़ते हैं पुरुष और 5% बढ़ती हैं महिलाएं। आप एक काम करिए, हम दोनों को 5% ही बढ़ाते हैं अभी, इसको 8% नहीं, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, इसको भी 5%, इसको भी 5%, छोटी वाली संख्या के बराबर कर लीजिए दोनों को। तो इसको हम 5% बढ़ाते हैं, 9600 को जब हम 5% बढ़ाएंगे, 5 × 100 5/100 करके, तो 480 बढ़ा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों, मैन और जो फीमेल है दोनों को मैंने बढ़ाया 5% से, तो 480 आया। बट इंक्रीमेंट हुआ कितना है, 9600 और 10272, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 10272 9600 में से डिफरेंस निकालेंगे तो 672, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ 672 का है, बट मैंने जब इनका 9600 का 5% बढ़ाया तो ये 480 आया। इसका मतलब जो अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों का 672 का और 480 का 192, ये किसके 3% के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3% के इक्वल, क्योंकि मैंने 5% इसका बढ़ाया था, 5% इसका बढ़ाया था, तो जो पुरुष थे 3% यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो 3% मैंने नहीं बढ़ाए थे, वो 3% का जो डिफरेंस आया ये 192 आया है। समझे आप इस बात को, आशा करता हूँ कि भाई ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब बस आपको पता चल चुका है 3% की वैल्यू, तो अब आप कोई भी परसेंटेज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। जब आपको पता चल गया मैन के 3% के इक्वल 192 है, तो 100% के इक्वल कितना हो जाएगा, 192 को 3 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 6400 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पुरुष कितने, 6400 है। अगर पुरुषों की पूछी जाती 6400 है, अगर महिलाएं पूछी जाती तो आप माइनस कर देते तो 3200 आ जाता, ये आपका राइट आंसर बन जाता, ठीक है। एक बार और मैं आपको यहाँ पे फटाफट इसको क्लियर कर देता हूँ। 9600 का मैंने 5% ही बढ़ाया, वो एक तो पुरुषों का बढ़ाया था 8%, महिलाओं का 5%, मैंने क्या किया दोनों का ही 5% बढ़ा दिया, तो जब दोनों का ही 5% बढ़ाऊंगा तो 480 इंक्रीमेंट हुआ। बट एक्चुअल में बढ़ा कितना था, 8 और 5%, यानी कि ज़्यादा बढ़ा होगा भाई, तो 10272 में से 9600 को माइनस किया तो 672 मेरे को मिला कि इतना बढ़ा था, बट मैंने मेरे हिसाब से 480 बढ़ा क्योंकि मैंने 5% ही बढ़ाया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया 192 3% के इक्वल आ जाएगा क्योंकि मैंने 3% कम बढ़ाया था। भाई यहाँ पे मैन और जो मेल और फीमेल थे दोनों के दोनों, उनका 8% प्लस 5% बढ़ाना था, मैंने केवल बढ़ाया कितना 5% दोनों का, तो यहाँ पे ये जो 3% बचा इस 192 के इक्वल हो जाएगा। अगर 3% की वैल्यू 192 है तो 100% की निकाल लेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक कमेंट जरूर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि आपका फीडबैक पे मैं वर्क कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर टॉपिक स्टडी। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी, बस सर्च करिएगा सौरभ मलिक, SAURA
BHMALIK, ठीक है। और दोस्तों डेली मैं एक रीजनिंग की और मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के भी और वीडियोस के भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।